हे गाइस, वेलकम बैक। तो ये हाईवे रिव्यू पार्ट टू है। अब आप एग्जैक्टली सोच रहे होंगे कि पार्ट वन क्या है, और आप कह सकते हैं एपिसोड वन। तो मैंने आपको रिसेंटली 6 स्मार्टफोन्स का मेगा ड्रॉप टेस्ट दिखाया था, तो वहीं से मुझे आइडिया आया। आप सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा, आई मीन यू नो, डिफरेंट इन्वायरमेंट में फील करना, कम्प्लीट नेचुरल चीज़ों में और विथ सेफ्टी, वो तो वही चीज़ मैं ध्यान में रख रहा हूँ। और अभी मैं ब्लॉक टू पे वर्क कर रहा हूँ, मैं रिटर्न हो रहा हूँ अपने ऑफिस गुड़गांव में, तो उसी पे आज मैं कुछ और यू नो एक्सेसरीज़ का रिव्यू करता हूँ। तो फ़ोन्स तो आज ब्रेक करने के लिए नहीं है, 6 फ़ोन मिलाया था, 6 फ़ोन वो टूट गए, ऑल 6 फ़ोन्स। तो आज मैं आपको कुछ हेडफोन्स का रिव्यू करता हूँ जो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा डिफरेंट लोकेशंस नहीं मिला था। तो मोस्टली मैं ट्रू वायरलेस यू नो हेडफोन्स यूज़ करता हूँ, और जो रिसेंटली मैं यूज़ कर रहा था यू नो रेडमी एयरडॉट्स के बाद में विंग्स पावर टच, बहुत ही अच्छा था, बट सम हाउ वो इन जर्नी में कहीं लॉस हो गया। तो ये एक ड्रॉबैक होती है। सेकंड ड्रॉबैक क्या होती है कि आप कितना भी वो ग्रिपिंग अच्छा बना लें, वो आपके ईयरबड्स कान से गिरी जाते हैं। तो उसका एक अच्छा अल्टरनेटिव होता है कि आप कुछ अच्छे ऐसे यू नो जो नेक बैंड बेस्ड में होते हैं वो ले सकते हैं। तो ये दो मैं पिछले ऑलमोस्ट 1 मंथ से यूज़ कर रहा हूँ। तो बैटरी लाइफ तो मैं एग्जैक्टली आपको बताता हूँ कैसा है। तो आज मुझे यहाँ पे बस इन दोनों हेडफोन्स का रेंज चेक करना है। तो ये विंग्स ग्लाइड है, जो थोड़ा सा आपको बहुत प्रीमियम फीलिंग में नहीं देगा। इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, थोड़ा सा रबर में है ज़्यादा, तो ये आपका काफ़ी लो बजट में है अगर आप लेना चाहते हो। एग्जैक्ट प्राइस आप चेक कर लीजिएगा, ये प्राइसिंग चेंज होती रहती है। और थोड़ा सा आपको प्रीमियम में लेना हो तो प्रीमियम में ये अच्छा है, यहाँ पे थोड़ा प्रीमियम फिनिशिंग दी गई है। तो अब मैं इसको अपने OnePlus 7T से कनेक्ट करता हूँ। अब बारी बारी रेंज आपको दिखाता हूँ क्या है। ब्लूटूथ 5 होना चाहिए, तो रेंज काफ़ी अच्छा है। तो ये बहुत ही अच्छा ओपन स्पेस है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जैसे घरों में होता है कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं चल के जाता हूँ आगे तक। साउंड क्वालिटी भी मैं आपको बताता हूँ कैसी आती है। तो फिलहाल ये है आपका विंग्स इन्फिनिटी 70% कनेक्टेड एक्टिव, ठीक है। एंड अब यहाँ पे एक्चुअली 4G सिग्नल नहीं आ रहा, फिर भी मैं कोई वीडियो प्ले कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक वीडियो पड़ा हुआ है ड्रॉप टेस्ट का, उसको मैं प्ले कर दिया हूँ, और अब मैं इसको लगा के आगे जाता हूँ, फिर आपको रेंज दिखाता हूँ। मैं यहाँ से स्टेप्स काउंट कर रहा हूँ कि कितने स्टेप्स हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा फीट कन्वर्जन करके। ओके, अभी मैं 30 स्टेप हूँ, तो आई गेस ये लगभग 30 फीट तो होगा। आराम से वॉल्यूम आ रहा है, 34, 35, 38, 39, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो कमाल की इसमें आप देख सकते हैं आवाज़ आ रही है, और आई गेस ये एटलीस्ट 50 फीट तो होगा, 50-60 फीट। 91, 92, 93, 94। अब यहाँ से 135 कदम में आ चुका हूँ, तो लगभग मुझे लगता है ये 80 फीट होना चाहिए। तो 80 फीट के बाद इसकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, और इस हेडफोन का मुझे बैस अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको एवरेज से थोड़ा सा ऊपर कहूँगा। और अगर जैसे ओवरऑल रेटिंग A+ है, तो मैं इसको B आप ले सकते हैं। ओवरऑल साउंड क्वालिटी इसकी B है, एंड सो फॉर ठीक लग रहा है, स्पेशली बैस अच्छा है, और थोड़ा सा लाउड म्यूज़िक भी इसमें आ रहा है इन्फिनिटी में, और साउंड क्वालिटी भी मुझे अच्छी लग रही है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर काफ़ी नॉइज़ आ रही है, तो फिर भी ऐसा नहीं है कि दिक्कत हो रही थी सुनने में, प्रॉपरली इसमें नॉइज़ रिडक्शन है। तो रेंज मिले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि यू नो वायरलेस का मतलब कि अगर आपकी आवाज़ ब्रेक होने लगे, साउंड क्वालिटी तो प्लस माइनस होती रहती है। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, और रेंज भी काफ़ी अच्छी, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था 135 स्टेप्स तक ये इसकी आवाज़ आ रही है। और जो सेकेंड है ग्लाइड, इसकी रेंज चेक करते हैं, होपफुली इसकी भी ऐसी ही होनी चाहिए। अगर मैं इसको ऑन करूं और पेयर नी डिवाइस पे जाऊं, 80% बैटरी पे है। अब मैं इसकी रेंज चेक करता हूं, सेम वीडियो में दोबारा प्ले करता हूं। 1, 2, 3, 18, 19, 20। हल्का सा जैसे आप इसमें आप मैं चल रहा था तो थोड़ी सी वॉइस ब्रेक हो रही थी। 28, 29, 60 कदम आ चुका हूं लगभग, यानी कि 50 फीट होना चाहिए, और 50 फीट तक भी अच्छी खासी आवाज़ आ रही है। 100 कदम हो चुके हैं, 100 स्टेप्स। अब देखिए आवाज़, थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है, तो इसकी रेंज थोड़ी सी मुझे कम लगी। वहाँ पे मैं 135 अराउंड गया था, यहाँ पे 100-110 के आसपास आप कदम मान सकते हैं। तो ग्लाइड थोड़ा सा कम क्वालिटी का लग रहा है, आवाज़ में बहुत डिफरेंस नहीं लग रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे बैस मुझे कम लग रहा है, लेकिन इन्फिनिटी ज़्यादा अच्छा था, ग्लाइड थोड़ा सा कम है,
रेंज थोड़ी सी कम, जैसे मैंने कहा प्राइस का फैक्टर है, ये सुपर बजट में बनाया गया है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस में है। विंग्स इन्फिनिटी मुझे रेंज वाइज ज़्यादा अच्छा लगा, कॉल क्वालिटी में मतलब ऑडियो क्वालिटी में ज़्यादा अच्छा लगा, ग्लाइड में थोड़ा सा मुझे लगने लगा जैसे मैंने कहा 100 कदम पे आवाज़ ब्रेक होने लगी। एंड बैटरी कैपेसिटी लगभग दोनों में बराबर है और दोनों में मुझे ऑलमोस्ट 6 घंटे के प्लस का मतलब मिला है, इसमें 6 के अराउंड मुझे एक बार नोटिस किया था, मोस्टली मैंने इसी को यूज़ किया है तो 6 साढ़े 6 घंटे का मुझे मिला है। मित्र तो मैं सुनता भी नहीं हूँ, मैं वीक में एक बार चार्ज करता हूँ, लगभग आधे घंटे घंटा रोज़ सुनता हूँ, तो इस हिसाब से मैंने बताया 6 से 7 घंटे लगते हैं। और ये देखिए ये थोड़ा सा छोटा आपका है, अगर आप ग्लाइड देखेंगे तो, अगर आपके छोटे आप हैं फीमेल हैं तो ऑब्वियसली ग्लाइड आपके लिए अच्छा है, अगर आप मेल हैं तो मैं आपको इन्फिनिटी प्रेफर करूँगा। तो जैसे मैंने कहा नेक बैंड के देखिए अपने अलग एडवांटेज होते हैं, ये खोते नहीं हैं आपके कॉलर में ऑब्वियसली पड़े रहेंगे, तो मैं आपको दिखा दूँ कैसे दिखते हैं, आप चाहे ऐसे पकड़िए। और इसमें थोड़ा सा ये प्रीमियम टच दिया गया है राइट एंड लेफ्ट में, आप आसानी से फील कर सकते हैं। और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ठीक है, बाहर की आवाज़ जैसे मैंने कहा कम आ रही है, कुछ ऐसा आपका ये दिखता है। एंड अगर विंग्स ग्लाइड की बात करें तो ये जैसे मैंने कहा एकदम बेसिक सा है, कुछ बहुत हाई सुपर प्रीमियम नहीं है। बाकी यहाँ पे एडजस्टेबल है, आप ये जैसे एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका ये कहाँ पे रेस्ट करे, ये मुझे इसमें अच्छा लगा। जनरली ऐसा होता नहीं है, और हेडफोन्स में जितने मैंने प्रोट्रॉनिक्स फिलिप्स ट्राई किए हैं तो ये कुछ ऐसा आएगा इसमें, तो ये इसीलिए दिया गया कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि ये आपका जो एक्स्ट्रा ये वायर है ये कहाँ तक जाए। तो गाइस ये था हाईवे रिव्यू एपिसोड पार्ट 2, दो हेडफोन हमने ट्राई किए। तो अगर आपको अगर ऐसी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बताइएगा, इजी नहीं होता है, काफ़ी दूर यू नो नेविगेट करके ड्राइव करके जाना पड़ता है ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में, और अच्छे से प्रैक्टिकल टेस्ट हो पाता है। स्टे ट्यून, एपिसोड 3 में हम कुछ और अच्छे रिव्यूज़ करते हैं, देखते हैं ड्रॉप टेस्ट या किसी एक्सेसरीज़ का रिव्यू करना है। सो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, प्राइस चेंज होता रहता है तो मैंने इसको चेक नहीं किया प्राइस क्या, आप उसको देख लीजिएगा। नमस्ते, हैव अ ग्रेट डे।